दो तारीख को हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार राज्यसभा मेंबर और विरोध पक्ष राज्यसभा में विरोध पक्ष नायक होने की सुन के बाद पहली बार गुलबर्ग में स्वागत होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से। अद्दूरी का हम विजृंभणी से हमारे एयरपोर्ट से पूरा कमान डाल के गुलबर्गा तमाम गुलबर्गा श्रृंगार करके झंडा लगा के पूरा बैनर लगा के देखिए पूरे कार्यकर्ता हमारे MLA XML MLC महानगर पालिक सदस्य TP मेंबर ZP मेंबर ग्राम पंचायती अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य और पूरे पार्टी के तमाम हमारे पार्टी के लोग और पब्लिक के साथ बहुत बड़ा स्वागत करके उनको हमारे विजय भवानी कल्याण मंडप में सबके तरफ से पार्टी के तरफ से उनको सम्मान करके उनके जो बातें थे सब लोग उनका स्वागत करके भाषण सुन के बहुत अच्छी तरह से खुशी मनाए हम। इसलिए ये जलसे में जो जमा हो गए जो जो साथ दिए जो जो लोग काम करे और पब्लिक जो आके फंक्शन को सक्सेस करे वो लोगों को मैं मेरा तरफ से और दक्षिण मत क्षेत्र में आए सब पूरे लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से मैं आने से बहुत खुशी हो। क्यों बोलते डेवलपमेंट करने वाले आदमी बहुत दिन से नहीं आया था और उन्होंने हारने के बाद हाँ सर मैं इतना काम करते 50 साल एक आदमी एक एप्लीकेशन लेने के बाद काम करो बोले नहीं करे उन्होंने एक भी आदमी इधर 370 उन्होंने बोल के नहीं गए इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना बोल के एप्लीकेशन नहीं लेंगे इधर रेलवे डिवीजन होना बोल के एप्लीकेशन नहीं लेंगे इधर टेक्सटाइल पार्क होना बोल के एप्लीकेशन नहीं लें ये कार्मिनी का ये होना बोल के नहीं ले गए ESI हॉस्पिटल होना बोल के नहीं ले गए कौन सा भी एप्लीकेशन पकड़ के उनके पास नहीं गए नेशनल हाईवे होना बोल के नहीं बोले यहाँ से सीधा गुंतकल तक ये सब चीज़ें उन्होंने खुशी से करके लोगों को आज पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद कर्नाटक में 800,000 लोग डॉक्टर्स बन गए इंजीनियर्स बन गए नौकरी बन गए पूरे जॉब में हैं और 1,500 करोड़ के एरिया डेवलपमेंट के हर साल पैसे आ रहे हैं। इतना काम करने का आदमी ये भीमा नदी में 11 बैरेज बनाए उसके आजू बाजू में गन्ने मिल गए पूरे लोगों पूरा रहित लोग खुशी में हैं। इतना पैसे ला के काम करे सो आदमी लोग उसको उनका मान्यता नहीं दिए उन्होंने हारने के बाद थोड़ा नाराज होकर भेज दिए फिर पार्टी ने उसका काम दे के उन्होंने जो दो बार लोकसभा में था उन्होंने उठ के बात करने के बाद मोदी साहब ने डरते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो समस्या था वो समस्या ने बिरला बिरला बोल के उन्होंने लोकसभा में रखते थे उस समय के हल के बारे में गवर्नमेंट को पूरा वो दिल को लगाने तक बोलने वाले ताकत था उनके पास पुनः हारने के बाद हम सब लोगों को ये हुआ था पार्टी ने उसको आइडेंटिफाई करके फिर राज्यसभा मेंबर बनाए फिर उसी विरोध पक्ष का नायक बना के भेजी इसलिए बहुत खुशी से हुए तो जिंदगी में लगा हुआ है वो बात नहीं हारने के बाद लेकिन उनको ऐसा 50 साल तक काम करने वाले आदमी को हराया बोल के थोड़ा ये था सबको अब बहुत खुशी है उससे ज़्यादा खुशी हो गया बहुत बहुत शुक्रिया सर।